प्रिय विद्यार्थियों, आज का लेक्चर अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, विनियोगों का लेखांकन। सर्वप्रथम हम विनियोग का अर्थ एवं परिभाषा पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, कोई संस्था अथवा व्यक्ति जब अपने अतिरिक्त धन, जिसको हम कहेंगे सरप्लस मनी, के ब्याज, लाभांश अथवा पूंजीगत लाभ कमाने के उद्देश्य से या तो सरकारी, अर्ध सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की प्रतिभूतियों, जिसमें बॉन्ड्स अथवा ऋण पत्रों एवं कंपनियों के अधिकांश अंशों, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आदि में विनियोजित करता है। इसके अतिरिक्त बैंक, सरकारी समितियों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के कंपनियों अथवा वित्तीय संस्थाओं आदि में भी जमा करता है, तो उसे राशि का विनियोग कहा जाता है। इस प्रकार विनियोगों के तात्पर्य प्रतिभूतियों के खरीदना अथवा संस्थाओं में राशि जमा करना है, तथा विनियोगकर्ता द्वारा उसकी अतिरिक्त अथवा वर्तमान में अप्रयुक्त धनराशि के अल्पकाल एवं दीर्घकाल तक आय प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी अन्य कंपनी के प्रतिभूतियों को इसलिए भी क्रय किया जाता है ताकि उस कंपनी अथवा संस्था के प्रबंधकीय निर्णयों में हिस्सेदारी बढ़कर उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। विद्यार्थियों, विनियोग का उद्देश्य आय प्राप्त करना अथवा भविष्य की तिथि को अपनी वर्तमान बचत की रकम में वृद्धि करना तो हो सकता है। विनियोग शब्द दो सापेक्षित अर्थों से लिया गया है। एक, आर्थिक विचारधारा के अनुसार इसका संबंध वास्तविक पूंजीगत माल अथवा उत्पादक संपत्तियों में विनियोजक से लगाया जाता है। इस प्रकार एक नए कारखाना भवन का निर्माण वास्तविक पूंजीगत विनियोग का ही एक अच्छा उदाहरण है। विद्यार्थियों, वित्तीय शब्दावली के रूप में इसका संबंध स्टॉक विनियम प्रतिभूतियों अथवा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद अथवा बैंकों, संपत्तियों या अन्य वित्तीय संस्थाओं में किए गए निवेशों में से किया जाता है। इन विनियोग का उद्देश्य आय प्राप्त करना अथवा किसी भविष्य की तिथि को रकम में वृद्धि के साथ राशि वापस लेना हो सकता है। विनियोग का अर्थ प्रतिभूतियों, जिसमें बॉन्ड्स, ऋण पत्र, अंश, सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थाओं की प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से लगाया गया है। किसी भी विनियोग के क्रय विक्रय संबंधी लेखांकन व्यवहार को ही
विनियोग का लेखांकन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जब हम किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं किसी भी रूप में, या बैंक में या सरकारी सहकारिता या बॉन्ड में, तो उसकी अकाउंटिंग प्रोसीजर को अपनाना, उसकी ट्रांजैक्शंस में दर्शाना ही अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अगर हम इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में इसकी डेफिनेशन को हम कोट करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट टर्म हैज़ टू रिलेटेड मीनिंग्स। नंबर वन, इन इकोनॉमिक थ्योरी इट इज़ जनरली टेक्स द मीन द इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन एक्विजिशन ऑफ रियल कैपिटल गुड्स। दस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एज अ फाइनेंशियल टर्म इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और डिपॉजिट ऑफ मनी इन बैंक्स सोसाइटीज और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद द एम अंडर द सिक्योरिंग एंड इनकम और द रिफंड ऑफ ए ग्रेटर सम ऑफ एट सम फ्यूचर टाइम। दिस कैन बी द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन द सेंस एज ए इन्वेस्टमेंट और एज ए फाइनेंशियल डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। When we talk about the types of securities, प्रतिभूतियों के प्रकार, तो प्रतिभूतियाँ निम्न प्रकार की होती है। एक जिनको कहते हम सरकारी सिक्योरिटीज। सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या होती हैं? विद्यार्थियों, केंद्र एवं राज्य सरकारें सार्वजनिक विकास योजनाओं के वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु समय समय पर जनता एवं वित्तीय संस्थाओं में से ऋण लिया करती हैं। ऐसे ऋण लेते समय सरकार ऋणदाताओं को उनके ऋण के प्रमाण स्वरूप जो प्रमाण पत्र दी जाती है उसे सरकारी प्रतिभूतियां कहते हैं। प्रत्येक प्रतिभूति प्रमाण पत्र में सामान्यतः ऋण की रकम, ऋण की अवधि, ऋण वापस करने की तिथि, ब्याज की दर वे ब्याज की तिथि आदि उस पर दर्शाई जाती है। प्रत्येक प्रकार के ऋण सरकारी प्रतिभूतियों के लिए सरकार अलग अलग रजिस्टर या रिकॉर्ड रखती है, जिसमें ऋणदाता का नाम का पता अंकित रहता है, ताकि ब्याज का भुगतान देय तिथि पर संबंधित ऋणदाता को सुगमता से किया जा सके। विद्यार्थियों, इसी प्रकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय स्टॉक एक्सचेंज में बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित मूल्य पर निर्धारित और नियमित रूप से होता है। चूँकि सरकार की साख किसी व्यापारिक संस्था पर या कंपनी की से नहीं अधिक मानी जाती है, अतः इन प्रतिभूतियों को गिल्ट एडजस्ट सिक्योरिटीज कहा जाता है। दूसरा, विद्यार्थियों, जिसको हम कहते हैं सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अर्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ, ये वो प्रतिभूतियाँ होती हैं जिसमें नगरपालिका, जिला बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट, विश्वविद्यालय आदि द्वारा निर्गत की जाती है। अर्ध सरकारी
संस्थाओं को अपनी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु ऋण पत्र बॉन्ड आदि का निर्गमन कर जनता वे वित्तीय संस्थाओं के समय समय पर ऋण लेती रहती है और ऋण के बदले से ब्याज वाली प्रतिक्रिया निर्गमित की जाती है। ये प्रतिभूतियाँ साख के दृष्टिकोण से अन्य अपनी सरकारी प्रतिभूतियाँ मानी जाती हैं, लेकिन अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों के लिए सामान्यतः केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा ऋण की अदायगी अथवा एक ब्याज के संबंध में प्रायः गारंटी जमानत दे दी जाती है, जिससे ये प्रतिभूतियों की साख के दृष्टिकोण से प्रायः सरकारी प्रतिभूतियों के सामान ही रखी जाती है। इन प्रतिभूतियों पर ही ब्याज सामान का अर्धवर्ष के अंतर से ही दे होता है। विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त कमर्शियल सिक्योरिटी तीसरे नंबर पर जो आती है, दैट इज कमर्शियल सिक्योरिटी। कमर्शियल सिक्योरिटी को जानना भी बहुत अति आवश्यक है। ये प्रतिभूतियाँ व्यावसायिक कंपनियों द्वारा निर्गमन की जाती है, जो व्यावसायिक कार्य करने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है। विद्यार्थियों, व्यावसायिक कंपनियाँ वित्तीय आवश्यकता अनुसार डिबेंचर्स और शेयर्स जनता को निर्गमित करती है। व्यावसायिक कंपनियां द्वारा निर्गत ऋण पत्र और वाणिज्य प्रतिभूतियां का नाम दिया जाता है। इसमें गैर सरकारी प्रतिभूतियां भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। विद्यार्थियों, सामान्यतः ये वाणिज्य प्रतिभूतियाँ दो प्रकार की होती है। नंबर एक, ऐसी प्रतिभूतियाँ जिस पर भविष्य के आय एक निर्धारित प्रतिशत के आधार पर ब्याज मिलती हैं, तथा ऐसी प्रतिभूतियाँ जिस पर आय अथवा लाभांश की दर कमाने के साथ साथ लाभदायकता के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है। द्वितीय प्रकार की प्रतिभूतियों में कंपनी की इक्विटी अंश सम्मिलित होती है। यदि कंपनी को अधिक लाभ अर्जित होता है तो इक्विटी अंश में विनियोजन करने वाले निवेशकों को अधिक लाभांश मिलता है, और कम लाभ अर्जित होने पर या तो लाभांश प्राप्त ही होता है अथवा कम दर से लाभांश मिलता है। विद्यार्थियों, जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की बात करते हैं, वो हमको बताता है कि व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा निर्गमित लेखांकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अप्रैल 1997 एवं इसके बाद प्रारंभ हुआ अवधियों के वित्तीय वितरणों का पर प्रभारी है। इसका अगर हम इंट्रोडक्शन कहेंगे तो ये विकरण विवरण उपकरों के वित्तीय विवरणों में निवेशकों हेतु लेखांकन अथवा संबंधित अनिवार्यता के अवधि कहलाती है। इस विवरण निम्न वर्णन नहीं करता: निवेशकों पर ब्याज, लाभांश तथा किराए के आय की मान्यता के आधार पर मान्यता तथा लेखांकन मानक 9 के अंतर्गत आते हैं। परिचालक तक एवं वित्तीय पट्टे, अवकाश प्राप्त अनुलाभ योजनाओं तथा जीवन बीमा उपक्रमों में निवेश,
म्यूचुअल फंड या संबंधित संपत्ति प्रबंध कंपनियों अथवा वित्तीय संस्थान जिसमें केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के किसी अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया हो अथवा कंपनी अधिनियम 1956 में ऐसा घोषित किया हो द्वारा निर्देश। इस प्रकार से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अंतर्गत प्रोविजन है कि किस प्रकार से हम जो विनियोग हैं उनमें निवेश करने के बाद किस कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।